नमस्कार। आवासीय कक्षा परियोजना के अंतर्गत इतिहास विषय की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व युद्ध के संदर्भ में पढ़ेंगे। एक दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी, तब हमने इसमें इस बात पर चर्चा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम कैसे हुआ, और तभी अपना समय समाप्त हो गया था और हम उसके प्रभावों की चर्चा नहीं कर पाए थे। आज हम इसके प्रभावों की चर्चा विस्तार से करेंगे और संक्षेप में एक छोटे से एक जिसको कहते हैं कि रिवीजन कराने के लिए या छोटे से रूप में जो उस दिन पढ़ा था 5-7 मिनट में उसको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक याददाश्त में ताजा हो जाए और फिर हम कंटिन्यूटी में उसको पढ़ पाए। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। कुछ आपको लगे कि इसमें पूछने जैसा है, समझने जैसा है, यद्यपि आपके जो अध्यापकगण हैं सुयोग वो आपको बता ही रहे होंगे, लेकिन तब भी आपको इस व्याख्यान में कुछ लगे कि कुछ पूछना है तो आप जरूर से पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी शंका का निवारण करें, आपकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करें, और तब भी अगर कुछ रह गया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ रेफरेंस है जहां से हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो अध्ययन का, वो है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा उसमें। आज जो हम कंटेंट जो पढ़ेंगे उसमें कंटेंट में एक है छोटा सा रिविजन करेंगे कि मीनिंग कॉजेज कोर्स के ऊपर, और दूसरा फिर उसका पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ वॉर कि उसमें प्रभाव क्या पड़ा। जल्दी जल्दी से हम इसको रिवीजन वाला पार्ट जो है आज मतलब जैसे आज का पूरा लेक्चर दो सेगमेंट में है, एक सेगमेंट में रिवीजन है, दूसरे सेगमेंट में इम्पैक्ट है। रिवीजन में जो हमने उस दिन पढ़ा था उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि वर्ल्ड वॉर क्यों, इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, इसके पहले इतने सारे युद्ध उनको वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं कहते हैं। तो इसके पहले जो युद्ध थे उनको वो क्षेत्रीय युद्ध थे, उनमें जो जो क्षेत्रीय शक्तियां होती थी उनमें युद्ध होता था। ये पहला बार ऐसा दुनिया में युद्ध हो रहा था जो दुनिया देख रही थी, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल थे, सभी राष्ट्रीयता के लोग शामिल थे। ये जमीन पे लड़ा जा रहा था, आसमान पे लड़ा जा रहा था, समुद्र पे लड़ा जा रहा था, समुद्र के नीचे लड़ा जा रहा था। इसमें नए नए तरह के वेपन्स इस्तेमाल हो रहे थे। इसके पहले जो भी युद्ध होते थे वो बॉर्डर पे होते थे, सेनाएं लड़ती थी। ये पहला युद्ध हो रहा था जिसमें पूरे राष्ट्र के संसाधनों को शामिल किया गया था, सिविल पॉपुलेशन भी शामिल थी, जो नागरिक लोग थे वो भी उसमें शामिल थे किसी न किसी रूप में। ये पहला युद्ध था जिसमें कि देश की जितनी भी औद्योगिक क्षमता थी उसका ऑप्टिमम अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा था कि वो युद्ध के लिए सामग्री बनाए या युद्ध की आवश्यकता के अनुरूप उनको ढाला गया था। उन सारे नई नई तकनीकों का विकास किया गया, लेबोरेटरीज में नए नए वेपन्स का विकास किया गया। जो साइंटिस्ट थे वो इस बात पे प्रयास में लगे थे कि कैसे ऐसे वेपन्स बनाएं, वेपन्स जिससे कि शत्रुओं को ज्यादा से ज्यादा हताहत किया जा सके। तो ये इस सेंस में ये पहला ऐसा युद्ध था जिसको कि वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध कहा जा सकता है। इसके कुछ युद्ध के कोई ऐसा नहीं था कि अचानक शुरू हो गया, कुछ कारण ऐसे थे जो बहुत सालों से चले आ रहे थे, जिनको हम फंडामेंटल कॉजेस कहते हैं, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा भी था। और कुछ ऐसे होते हैं जो तात्कालिक, वो मूलभूत कारण लगातार बने हुए थे और एक फिर उसमें एक चिंगारी पड़ गई जिससे कि पूरा फ्लेयर अप हो गया, पूरा युद्ध प्रारंभ हो गया। तो उसमें हम देखें कि सबसे पहले जिसे हमने उस दिन भी पढ़ा था, जल्दी जल्दी से हम कर लें, राष्ट्रीयता एक बड़ा कारण था। राष्ट्रीयता ने जहां राष्ट्रों को एकीकरण में मदद की, जैसे हम जानते हैं इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, और भी बहुत सारे देश जो है राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। राष्ट्रीयता की भावना ऑस्ट्रिया, वियना कांग्रेस और फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुई और उसने लगभग लगभग दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया। ये एक भावना होने लगी कि हमारा हम एक जो राष्ट्रीयता के लोग हों वो एक राष्ट्र के अंदर रहें, जबकि ऑस्ट्रिया जर्मनी का साम्राज्य या तुर्की का जो साम्राज्य था उसमें विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग रहते थे, चेकोस्लोवाकिया, पोल, फिन, लिथुआनिया, लेटविया, और सबसे बड़ी चीज तो फ्रांस के अल्सासन लॉरेन प्रांत जो 1871 में 70 में 71 में उन्होंने छीन लिए थे जर्मनी, उनके पास ही थे। दूसरा बड़ा कारण था इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि सभी जो बड़े राष्ट्र थे उन्होंने बड़े बड़े अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। औपनिवेशिक साम्राज्य की 19वीं शताब्दी के अंत में एक
से एक हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, जर्मनी भी उसमें शामिल हो जाता है जो अभी तक इसमें शामिल नहीं था। कैसर विलियम दो जो है, कैसर विलियम सेकेंड, उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि दुनिया भर में वो, चूंकि जर्मनी लेट कमर था औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापना में, तो वो भी दुनिया भर में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापना की इच्छा रखना चाहता था। उपनिवेशों की आवश्यकता क्या थी? कच्चा माल प्राप्त किया जाए। औद्योगिक क्रांति हो गई थी यूरोप में, तेजी से फैल रही थी। बना हुआ माल उन उपनिवेशों में बेचा जाए, वो मार्केट के लिए आवश्यक थे, रॉ मटेरियल की प्रोक्योर करने के लिए आवश्यक थे उपनिवेश। फिर उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है औद्योग, जैसे एक उदाहरण के लिए देखें, जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई तो रेलवे की भारत की आवश्यकताओं के हिसाब से भी थी, और इंग्लैंड में के भी औद्योगिक, जो औद्योगिक घराने थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके पास बड़ा पैसा था, उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, और उस समय की जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने उनको गारंटी दी कि हम इतना इंटरेस्ट तुमको देंगे ही देंगे, रेलवे फायदे में चले चाहे घाटे में चले। तो इसलिए एक इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा रहता था कि जो उपनिवेश होते थे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी, फिर जरूरत पड़ने पे पॉपुलेशन को भी बसाया जा सकता था वहां। और एक और जो सबसे बड़ी चीज है कि एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गए थे, कि जिस देश के पास जितने उपनिवेश उतना गौरवशाली देश। फिर अब तीसरे देखें कि सैन्यवाद, मिलिट्रिज्म, मिलिट्रिज्म भी एक बड़ा कारण था, जो औपनिवेशिक स्पर्धा ने, राष्ट्रीयता की भावना ने एक ऐसा द्वेष सा बना के रखा था, एक घृणा का माहौल बन गया था, उसमें शंका से सारे देश ग्रस्त थे, और उनको ये हमेशा लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ जाए। उस युद्ध की आशंका के हर देश ने अपनी सैनिक तैयारियां जोरदार ढंग से की। जर्मनी ने 8 लाख सेना इकट्ठा की, रूस ने 15 लाख सेना इकट्ठा की, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। जर्मनी में 50 लाख ट्रेंड लोग थे जो कि समय पड़ने पर सैनिक सैनिक का काम कर सकते थे। तो इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं और इतने बड़े बड़े और सैनिक सामान, असलहे, गोला बारूद सब इकट्ठा रहने से इसे दो परिणाम होते थे। एक तो हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी बड़ी सेना हो जाती, तो हम उसमें विकल्प के रूप में, समस्याओं के समाधान के रूप में युद्ध को भी देखने लगते हैं कि सेना के माध्यम से कर लेंगे। एक धमकी भी आ जाती है उसमें, जिसे कैसर विलियम सेकेंड ने कई बार इसका उपयोग किया कि उसकी बड़ी सेना थी, सबसे ऑर्गेनाइज सेना थी, अपराजेय सेना थी, उसको वो बार बार उपयोग करता था इस चीज को कि जर्मनी जो है अगर ऐसे नहीं होगा तो जर्मनी युद्ध के माध्यम से अपना रास्ता निकाले। एक दूसरा भी परिणाम इसका, युद्ध बड़ी सेनाओं का या सैन्यवाद का होता है, कि जो नागरिक प्रशासन के मामले होते हैं, जब बहुत बड़ी सेना होती है, बहुत जो जनरलों का, जो सेना के, आर्मी के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है, और वो प्रभाव बढ़ने से जो नागरिक प्रशासन है उसके भी वो निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। तो ये भी एक बड़ा सैन्यवाद भी एक बड़ा कारण था जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, जो फंडामेंटल कॉजेज में एक जो बड़ा कारण था। अलायंस सिस्टम की जो है, दुनिया जो है उस समय यूरोप जो है खासतौर पर दो भागों में बट गया था, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली थे, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, और बाद में उसमें यूनाइटेड स्टेट। आप देखेंगे आपके जो स्क्रीन पे जो स्लाइड होगी इसमें, जिसमें फंडामेंटल कॉज में इटली दिया है, इटली एलाइड पावर की, एक्चुअली वास्तविक रूप में देखें तो इटली मूलतः सेंट्रल पावर का पावर्स का एक सदस्य था, लेकिन इसने जब युद्ध शुरू हो गया तो ना सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ा ना एलाइड पावर की तरफ से लड़ा, ये निगोशिएट करता रहा कि किसके उसको ज्यादा फायदा होगा। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस ने इसको ज्यादा प्रलोभन दिया, तो ये सेंट्रल पावर का साथ छोड़ के इनकी तरफ से लड़ने लगा। तो इसलिए दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही दो भागों में बट चुकी थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की का साम्राज्य और थे, बुल्गारिया बाद में शामिल हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, और ये ऑलरेडी इनके बीच में मित्रता हो चुकी थी, ये मित्र राष्ट्र। तो राष्ट्रवाद की भावना, उपनिवेशिक संघर्ष, बड़े बड़ी मिलिट्रियां, और दोनों एक एक देश के कई कई ऐसे दोस्त जो कूटनीतिक संधियों से एक दूसरे से बंधे, तो इन सब ने ऐसा माहौल बनाया कि जिसमें कि जरा से भी होने पर, कोई गड़बड़ होने पर युद्ध की संभावना बढ़ जाती। फिर जैसे हमने कहा, जर्मनी का उस समय राष्ट्राध्यक्ष या सम्राट कैसर विलियम द्वितीय था, ये भी थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, शंकालु था, सैन्यवादी था, बड़ा उग्र था, समस्याओं के निराकरण में सेना की मदद के प्रति ज्यादा इसका आकर्षण था, और इसने बिस्मार्क की जो नीति थी उसको बिल्कुल पलट के ऐसी नीति बनाई जिसका उद्देश्य
सिर्फ जर्मनी को तक सीमित नहीं था या जर्मनी के हितों को सीमित, इसने पूरी ऐसी नीति बनाई कि उसका कहना था कि दुनिया में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जर्मनी की भूमिका ना हो। तो ऐसा जब राजा होगा कि दुनिया भर के घटनाओं को प्रभावित करने की इच्छा रखता होगा, तो कई कई बार कभी ऐसी संभावना बन सकती है। तो कैसर विलियम का जो व्यक्तित्व था, उसने भी द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, उसमें बड़ी भूमिका रही। फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो जो झगड़ों का या समस्याओं का निपटारा कर सके। अभी क्या, राष्ट्रवाद तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयवाद के रूप में कुछ भी नहीं था कि लोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों की मान्य, हर बात ये हर देश ये सोचता था कि मैं सार्वभौम हूँ, मेरे पास सब निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, इस तरह की भावना थी। ऐसा एक कोई भी सिस्टम उभर के नहीं आया था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों न्याय के आधार पर कोई व्यवस्था बनाई जाए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का माहौल था, जो बड़ा राष्ट्र था वो उपनिवेशों को हड़प लेता था, एक उपनिवेश दूसरे उपनिवेश, जो राष्ट्र मजबूत राष्ट्र होता था छीन लेता था, औपनिवेशिक राष्ट्रों की कोई भूमिका नहीं रह गई थी, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो बड़े राष्ट्रों के बीच में, अल्सास लॉरेन को जर्मनी ने छीन लिया था, फ्रांस में उसके लेके एक राष्ट्रीय रूप में अपमान जिसको कहते हैं कि भावना भरी हुई थी उनके अंदर। तो ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं थी जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय संगत मामले हों उनका सुलझा सके और जिसको मान सके लोग। तो इसने भी बड़ा, फिर जब बहुत उग्र राष्ट्रीयता की भावनाएं तेजी से पनपती हैं तो जो समाचार पत्र होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी की भूमिका होती है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले हम देखते हैं कि हर राष्ट्र के जो समाचार पत्र थे, न्यूज पेपर्स थे, उन्होंने उस देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावनाओं को बहुत जोर से बढ़ावा दिया, उग्र राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ावा दिया। और ये कभी भी ये एक जिसको कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीकों से समस्याओं का निदान किया जा सके, इसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। जब जनमत इतना प्रबल हो जाए, इतना उग्र हो जाए, तो कभी कभी राष्ट्र नेताओं के लिए भी ये संभव नहीं होता है कि वो उस जनमत की उपेक्षा कर सकें। तो एक ये भी एक कारणों में प्रमुख कारण था। अब हम देखते हैं जल्दी से तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, जैसे हमने कहा था, राष्ट्रवाद बड़ी समस्या थी, वो राष्ट्रवाद एक बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। और ऑस्ट्रिया जो बड़ा साम्राज्य था, उसने बोस्निया और हर्जेगोविनिया, दो उसके पास जो सर्व मूल सर्व जाति के लोग थे, स्लाव जाति के लोग थे, ये यहाँ पर इसके ऊपर इसका नियंत्रण था ऑस्ट्रिया, और ये लोग बोस्निया और हर्जेगोविनिया के जो लोग थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे, और ऑस्ट्रिया उनको स्वतंत्र नहीं कर रहा था, और वो लोग इस स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे। ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे फ्रेंच फर्डिनेंट, उनकी वाइफ सोफी ने 1914 में बोस्निया के दौरा किया, बोस्निया की राजधानी सराजेवो आए, वहां पर उनका एक जो क्रांतिकारी थे प्रिंसेप नाम था उनका, उन्होंने उनकी हत्या कर दी, उनको गोली मार दी, जिससे कि पूरे ऑस्ट्रिया में, ये 28 जून 1914 की है, इसमें पूरे जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया में इसको लेके जो है बड़ा रोष फैल गया, और ऑस्ट्रिया को ये लगने लगा कि उसके देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि सर्बिया जो जिसने इस कार्य में उसकी मदद की है उसको दंडित किया जाए, उसके साम्राज्य के राजवंशों के लिए जरूरी है, उसकी साम्राज्य की अखंडता के लिए जरूरी है कि सर्बिया को दंडित किया जाए। फिर ये जो हमने अभी पढ़ा था कि जो कूटनीतिक संधियां थी, कूटनीतिक संधियों ने एक ऐसा जाल बुना था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया का झगड़ा होगा तो सर्बिया की मदद करने के लिए रूस आ जाएगा, ऑस्ट्रिया की तरफ से अगर रूस आएगा सर्बिया की तरफ से तो ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी लड़ने आ जाएगा, उधर रूस शामिल होगा तो फ्रांस शामिल हो जाएगा। तो ये कूटनीतिक गतिविधियों का ऐसा जोड़ था कि ये युद्ध प्रारंभ हो गया, और इसमें 1917 में रूस शामिल हो गया, अमेरिका शामिल हुआ, और 1917 में रूस इससे हट गया, और ये युद्ध चलता रहा जिसमें कि 4 वर्षों तक चला। और ये हम इसमें एक मैप देखें कि इसमें जो हल्की सी जो जो पीले हल्के पीले रंग के हैं वो मित्र राष्ट्र हैं, हम देखें ब्रिटेन है, फ्रांस है, इधर रूस है, और इधर सर्बिया है, नीचे की तरफ देखें मैप में तो वो राष्ट्र हैं जो मित्र राष्ट्र कहलाते थे, और जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, बुल्गारिया है, और दाहिनी तरफ अपनी उसमें देखें तो ऑटोमन साम्राज्य है, ये वो केंद्र सेंट्रल पावर्स थी जो लड़ रहे थे, और मेन लड़ाई का जो केंद्र था, हम डॉटेड डॉटेड लाइन देखें तो ईस्टर्न फ्रंट वो उसको कहते हैं और ये वेस्टर्न फ्रंट है,
इसमें जो है फ्रांस के अंदर तरफ आया हुआ है, और उधर ईस्टर्न फ्रंट जो है उधर हम देखते हैं तो पोलैंड जो है वर्तमान में उस तरफ गया हुआ है। 1918 में युद्ध खत्म हो गया, और इस युद्ध में 8.5 मिलियन मतलब 85 लाख सैनिकों की मृत्यु। सिविल पॉपुलेशन कितनी आप देखिए, इसमें 70 लाख लोग, 2 करोड़ से ज्यादा सैनिक घायल हुए, और इतना ये 1565 दिन युद्ध चला। अब हमने जैसे कहा था कि हम आज अभी हमने ये रिकैप किया, रिवीजन किया एक हल्का सा, कि हमने उस दिन क्या पढ़ा था। उस दिन पढ़ा था कि इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, आज भी हमने रिवीजन किया कि वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, जनरल वॉर था इसका, इसके फंडामेंटल कॉजेस क्या थे कि भाई इसके राष्ट्रीयता की भावना, सैन्यवाद, उपनिवेशवाद, ये गुटबंदी, ये सारे इसके फंडामेंटल कॉजेस थे। कैसर विलियम का चरित्र, समाचार पत्रों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव, ये सारी चीजें जो थी ये मूलभूत कारण थे। और ऑस्ट्रिया जो युवराज थे उनकी हत्या जो है इसका तात्कालिक कारण बना। युद्ध 1565 दिन चलने के बाद 11 बजे 11वें महीने में 11 तारीख को 1918 की 1918 की 11वें महीने में 11 तारीख को 11 बजे संधि हो गई, आर्मिस्टिस, और इसके द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के बाद, तत्काल समाप्त के बाद, हम तीन चीजों को आज विशेष रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस क्या थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्सा क्या था, और लीग ऑफ नेशन, और समय मिलेगा तो कुछ और चीजें जो पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो अब युद्ध समाप्त के बाद शांति वार्ताएं होनी थी, शांति वार्ताएं होनी थी, वो उसके लिए पेरिस को चुना गया। पेरिस का चुनाव सही गलत दोनों तरीके से है। पेरिस वो जगह थी जहां पर युद्ध युद्ध समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। पेरिस वो जगह थी जहां से ये जिसको कहते हैं युद्ध विराम संधि लागू की गई थी। पेरिस वो जगह थी जहां पर सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया था। पेरिस वो जगह थी जहां पर तमाम निर्वासित सरकारों का हेडक्वार्टर था। पेरिस वो जगह थी जहां मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का भी हेडक्वार्टर था। तो पेरिस बहुत महत्वपूर्ण था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसलिए स्वाभाविक रूप से पेरिस को चुना गया। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी थी। जब हम शांति की बात करते हैं तो पेरिस वो जगह थी जिसने युद्ध की विभीषिका को बहुत ज्यादा झेला था, और तो वहां का जनमत जो है जर्मनी के बहुत विरोध में था। जनमत जो है जिसने इतना जनता ने अपार कष्ट उठाया था, वो जनमत जो है किसी भी तरह में एक जिसको कहते हैं ना कि बदला लेने की प्रवृत्ति में था। तो पेरिस का एक माहौल ऐसा था जिसमें कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, सुलझे ढंग से शांति करना संभव नहीं था। इस ये वो था जहां पर पेरिस की जनता का लगातार नेता दबाव प्रभाव महसूस करते रहे, और पेरिस की जनता जर्मनी और पराजित राष्ट्रों के साथ बिल्कुल कटुता का, द्वेषपूर्ण और बदले की भावना से व्यवहार चाहती थी। तो ये पेरिस शांति समझौता जिसको हम कहते हैं, पेरिस शांति समझौते के अंतर्गत ये सभी जो पराजित राष्ट्र थे उन सबसे जो शांति समझौते किए गए वो मिला जुला, सब मिला जुला, उसको पेरिस शांति समझौता कहते हैं। 18 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति पोइनकार ने इसका उद्घाटन किया। 18 जनवरी बड़ा इतिहास में प्रतीकों का बहुत महत्व है। 18 जनवरी डेट क्यों चुनी गई, और 18 जनवरी में वर्साय की जगह क्यों चुनी गई? 18 जनवरी में, 18 जनवरी जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया तो उन्होंने कहां से शुरुआत की कि आज से 48 साल पहले एक बड़ा अन्यायपूर्ण ढंग से एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और आज वो जो अन्याय में शुरू हुआ था राष्ट्र, आज वो अन्याय में खत्म हो गया। मतलब आपको याद होगा कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो 1870 में जर्मनी ने फ्रांस को परास्त किया था, और 1871 में जर्मनी के एकीकृत साम्राज्य की घोषणा की गई थी, और कैसर विलियम को उस जर्मन साम्राज्य का राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया था। ये घोषणा जर्मनी में नहीं की गई थी, ये घोषणा पेरिस में की गई थी, वर्साय में की गई थी, वर्साय के हॉल ऑफ मिरर में की गई थी। 18 जनवरी डेट इसीलिए रखी गई, वो डेट भी 18 जनवरी थी, एक प्रतीक के रूप में आप देखिए कि 18 जनवरी। इसीलिए इस पेरिस शांति में 32 राष्ट्रों ने शामिल हुए इसमें प्रतिनिधि रूप में, 1000 से ज्यादा इसमें प्रतिनिधि आए राष्ट्रों के।
रूस और जो पराजित राष्ट्र थे, पराजित राष्ट्र उनको इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। इसका मतलब है कि शांति समझौता में कोई निगोशिएशन नहीं थी, समझौता वार्ता नहीं थी। ये जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने संधि, उन्होंने पूरा जो है संधि मसौदा तैयार कर लिया, पराजित राष्ट्र को दे दिया, उनकी थोड़ी बहुत बात मानी, बाकी जो उन्होंने कहा कि इसको स्वीकार करना है आपको, आप बाध्य हैं स्वीकार करने का, आप नहीं हो गए तो फिर आपके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाएगा। इस जो जिसे हमने कहा कि इसमें 32 राष्ट्र थे, 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधि थे, ये संभव नहीं था कि इतने बड़े सेशन में कोई मीनिंगफुल डायलॉग किया जा सके या संधियों पर विस्तार से चर्चा की जाए। इसके लिए जो 5 विजित राष्ट्र, प्रमुख राष्ट्र थे, कौन से? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, 3 ये हुए, इटली चौथा और 5वां जापान। ये 5 विजेता राष्ट्र, जो प्रमुख विजेता राष्ट्र थे, इन्होंने दो दो प्रतिनिधि बना के एक 10 लोगों की समिति बनाई, काउंसिल ऑफ टर्न जिसको कहते थे, वो सारे मामले का निपटारा करने लगी। वो 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच विक्टर्स, हर विजेता की तरफ से एक एक देश जो उसमें शामिल हो गया। फिर ये भी बड़ा लगा और जापान उसमें, जापान ने भाग लेना कम कर दिया, जापान का उसमें बहुत रुचि नहीं रह गई। तो फिर 4 बड़े जो राष्ट्र थे उनके जो प्रमुख प्रतिनिधि थे, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड, क्लेमेंसू जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, और ऑरलैंडो जो इटली के प्रधानमंत्री थे। फिर ये चार, सारा मामला जो है इन्हीं 4 लोगों ने, विल्सन, जॉर्ज, क्लेमेंसू, ऑरलैंडो ने तय किया। सारी संधियों का रूपरेखा इन्होंने तैयार की। फिर ऑरलैंडो जो इटली का था वो भी छोड़ गया, क्योंकि इटली की बहुत सारी जो मांगे थी उनमें से कुछ मांगी मानी गई और कुछ मांगों को मानने में विल्सन की वजह से नहीं मानी गई, तो उसने भी, ऑरलैंडो ने भी बाद में इसको छोड़ दिया। तो अंत में जो कुल 3 बड़े लोग बचे, वुड्रो विल्सन अमेरिकन राष्ट्रपति, जॉर्ज लॉर्ड जॉर्ज जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और क्लेमेंसो जो फ्रांस के प्रधानमंत्री, इन्होंने ही सारा जो है संधि। ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप में, इसमें ये 5 संधियों का मिला जुला रूप है, ट्रीटी ऑफ वर्साय, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन जो ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, और ट्रीटी ऑफ नोइले बुल्गारिया के साथ की गई थी, ट्रीटी ऑफ ट्रायनो हंगरी के साथ की गई थी, और ट्रीटी ऑफ सेवरेज तुर्की के साथ की गई थी। ये बिग फोर ने ट्रीटी ऑफ वर्साय जो 28 जून 1919 को साइन की गई, मैंने कहा आपसे इतिहास में प्रतीकों का बड़ा महत्व है, जिससे 18 जनवरी को कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इसलिए की गई कि थी 18 जनवरी को, डेट इसलिए की गई थी, नहीं तो 17 को भी रख सकते थे। 1918 को इसलिए रखा गया था क्योंकि 48 साल पहले जर्मनी का एकीकरण या साम्राज्य की घोषणा वहीं से हुई थी, तो उसका प्रतीक रूप में बदला लेने के लिए वो 28 जून भी, देखिए डेट 28 जून, 26 रख सकते थे, 29 रख सकते थे, लेकिन ये 28 जून रखी गई। क्या थे? 5th एनिवर्सरी ऑफ असेसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, 28 जून। इस जो वर्साई की संधि थी इसमें 440 आर्टिकल थे, 100 से ज्यादा एनेक्सर्स थे, और इसमें जो मुख्य रूप से ये 5-6 चीजें थी जिनके ऊपर ये आधारित थी, एक तो वॉर युद्ध का दोषी कौन है, वॉर गिल्ट क्लास जो उसका बहुत महत्वपूर्ण था, और जिसका सबसे ज्यादा विरोध जर्मनी ने कहा किया कि आप और सब हमसे कर लेकिन ये नहीं करेंगे स्वीकार, क्योंकि जर्मनी वॉर गिल्ट क्लास आर्टिकल 231 जो था इस ट्रीटी ऑफ वर्साय में, वो ये कहता था कि जर्मनी अपने को अपने ये स्वीकार करता है कि वो युद्ध का अपराधी है, युद्ध का दोषी है। तो जर्मनी कहता था कि सिर्फ वही दोष युद्ध का दोषी नहीं है, प्रथम युद्ध का, और लोग भी दोषी हैं, तो इसलिए वो एक क्लॉज को बड़ा विरोध था उसका, लेकिन अल्टीमेटली उसको दबाव में मानना पड़ा, और इसको जो जिन लोगों ने युद्ध के दोषी हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, तो ट्रिब्यूनल का भी प्रावधान था, लिप्जिक में चला भी। फिर पेरिस पीस वर्सा एक संधि ने कुछ क्षेत्रीय जो एडजस्टमेंट किए, कुछ जो है हर्जाने के संदर्भ में रिपरेशन का मामला था, फिर जर्मनी को निशस्त्रीकरण करने का की संधियां इसमें, के अनुच्छेद इसमें शामिल थे, जर्मनी के जो उपनिवेश थे उनका क्या करना है, जैसे टेरिटोरियल एडजस्टमेंट में तो मूलतः जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी में जो हटा के कुछ जगह हटा के उनके में जो अन्य राष्ट्रों के उन्होंने जगह ले रखी थी या अन्य राष्ट्रीयता के लोग थे उनको हटाने, फिर उन्होंने जो अनेक उपनिवेश जर्मन के थे उनका क्या किया जाए, इसका भी प्रावधान इसमें किया गया। और जो है
ट्रीटी ऑफ वर्साय जर्मनी के साथ, ये एक तरह की डिक्टेटेड पीस थी। डिक्टेटेड पीस मतलब कि जो बिग फोर थे उन्होंने इसके मसौदा तैयार कर लिया, जर्मनी के लोगों को बुलाया और उनको दिया कि ये लो आप पढ़ लो और आप समझ लो और जो आपको अपने जो कुछ कहना है लिख के आप दो। जब वो संधि की जो शर्तें थी जर्मनी में लोगों को पता चला तो जर्मनी में एकदम जैसे कहते हैं ना तूफान आ गया हो, और जर्मनी में लोगों के लोग ये कहने लगे कि लड़ जाना बेहतर है, फिर से युद्ध कर लेना बेहतर है, लेकिन ये संधि जो है मानना नहीं चाहिए। लेकिन जो उनके जनरल थे हिंडनबर्ग, उन्होंने समझाया कि अब लड़ना संभव नहीं है, अब स्थिति नहीं है कि लड़ा जा सके। वहां की जो सरकार थी हिंडनबर्ग की, उसने इस्तीफा दे दिया, उसने कहा हम इस संधि में इस्तीफा दे देंगे, हम सरकार में रहेंगे नहीं, लेकिन ये अपमानजनक संधि करने नहीं जाएंगे। लेकिन अंत में मुलर आए, दूसरी सरकार बनी, सोशल डेमोक्रेट की सरकार बनी, और वो लोग आए और संधि समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि की बड़ी आलोचना की जाती है क्योंकि एक डिक्टेटेड पीस, डिक्टेटेड पीस मतलब डिक्टेट किया गया उनको, कोई इसमें शांति समझौता या जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई निगोशिएशन नहीं था कि आप ये कहो और हम ये कहें फिर उसका बीच का कोई रास्ता निकालें, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े जो जी विजेता राष्ट्र थे उन्होंने पराजित राष्ट्र को संधि बना के दे दिया आपको। और इसने जो बहुत सारे जो चीजें थी, प्रजातंत्र, जो बराबरी की भावना, एक अपमानजनक संधि थी। और ये बिल्कुल हमको ध्यान रखना चाहिए कि जर्मनी बड़ा स्वाभिमानी देश है, और ये हमको जब इतना अपमानित जर्मनी होगा या जर्मनी को किया गया तो जर्मनी के लोग भूले नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो है, इसी प्रथम विश्व युद्ध की जो ट्रीटी ऑफ वर्साय थी इसी में निहित थे, इसी में वो बीज निहित थे जिन्होंने आगे चल के, क्योंकि इसके बाद जर्मनी का 39 तक, 1939 तक ये प्रयास रहता था कि किसी तरह वो वर्साय की संधियों से को तोड़ के उससे बाहर निकले, उसकी संधि प्रावधानों से, और पूरे देश में इस बात को लेके सहमति थी कि वर्साय की संधि और हिटलर के उदय होने में वर्साय की संधियों के प्रावधानों का बड़ा महत्वपूर्ण। एक हम मैप देखें इसमें कि किस तरह से इन्होंने जर्मनी का टेरिटोरियल एडजस्टमेंट किया। इसमें बीच में जर्मनी जो डार्क ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है उसमें आप देखें, उसके आप ये आप पोलैंड को बनाने के और पोलैंड को समुद्र तक पहुंचाने के लिए किस तरह से इन्होंने, देखिए आप बीच में वेस्ट प्रशा है, डेंजिंग है, वो आप देखें एक रास्ता ईस्ट प्रशा और बाकी जर्मनी के बीच में से रास्ता काट दिया, एक पीले रंग का आप देखें वेस्ट प्रशा है, उसमें से एक पोलिश कॉरिडोर बना दिया कि यहां से क्या होगा कॉरिडोर से कि पोलैंड को समुद्र का रास्ता, बाल्टिक सागर का रास्ता देने के लिए एक पूरा रास्ता निकाल दिया। अब एक देश से बीच के एक भी किसी देश के बीच से आप एक रास्ता निकाल दो जो 200-250 मील लंबा हो और 60-70-80 किलोमीटर चौड़ा हो, और कहो कि इसमें विदेशियों का अधिकार रहेगा, वो नियंत्रण करेंगे, कोई भी राष्ट्र के लिए अपमानजनक होगा। फिर नीचे आप देखें एरो, काले एरोस दिख रहे हैं, ऑस्ट्रिया जर्मनी को एकीकरण से मना कर दिया गया। जो सार कोयला खदानें थी जर्मनी की वो फ्रांस ने ले ली, फ्रांस उनका उनसे जो है कोयला निकाल के ले लेने का। अल्सेसन लॉरेन पीले रंग में आप देखें, अल्सेसन लॉरेन जो फ्रांस से लगे हुए हैं वो फ्रांसीसी प्रांत थे, जर्मनी ने 1870 में छीन लिए थे, वो अल्सेसन लॉरेन जो है वापस कर दिए गए। फिर जर्मनी फिर से ना आक्रमण कर दे फ्रांस पे, बेल्जियम पे, इन इन पे, तो वो जो पिंक कलर का आपको अपने उसमें दिख रहा होगा, गुलाबी रंग का दिख रहा होगा, वो राइन लैंड है, राइन नदी बहती है, राइन नदी के पश्चिमी तट है ये, तो राइन नदी का जो पश्चिमी तट है वो डिमिलिटराइज कर दिया गया। डिमिलिटराइज मतलब कि कोई सेना नहीं रख सकते, यहां पर कोई सेना रखने का प्रावधान नहीं रहेगा, जर्मनी यहां पर कोई सेना नहीं रख पाएगा। तो और फिर हम देखें उसी के पीछे छोटा सा लगा है यूपेन एंड नॉर्मैंडी, ये बेल्जियम को दे दिए गए, और कोने में देखे जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज, तो ये जितने उपनिवेश थे उसके वो भी सारे उससे छीन लिए गए। जैसे हम देखें कि उसके जो प्रशांत महासागर में उपनिवेश थे उसको ऑस्ट्रेलिया ने एक ले लिया, एक न्यूजीलैंड ने ले लिया और बाकी जापान ने ले लिए। अफ्रीका में जो उपनिवेश थे उसके, वो ईस्टर्न साइड में जो उपनिवेश थे उनको, ईस्टर्न कोस्ट पे जो थे उनको इंग्लैंड ने ले लिया, और एक साउथ वेस्ट अफ्रीका था वो साउथ अफ्रीका को दे दिया गया, और बाकी कैमरून, टोगोलैंड, ये सब फ्रांस ने ले लिए। तो काफी जो है जर्मनी को नुकसान सहना पड़ा, और
जो एक इसमें डिसआर्मामेंट की बात करें कि इस संधि के द्वारा जर्मनी फिर से आक्रमण न कर पाए, तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें एक डिसआर्मामेंट बात है, डिसआर्मामेंट के माध्यम से ये किया गया कि जर्मनी की सेना फिक्स कर दी गई, 1 लाख से ज्यादा आप सेना नहीं रखोगे, उस सेना में 4,000 से ज्यादा अफसर नहीं होना चाहिए, और अनिवार्य सेना समाप्त कर दी गई, और सारे टैंक गाड़ियों की संख्या निर्धारित कर दी गई, आप कहाँ कहाँ हथियार बारूद रखोगे वो सबको बताओगे, मित्र राष्ट्रों को बताओगे तभी रख पाओगे। उसी तरह नौसेना सीमित कर दी गई कि 15,000 से ज्यादा नौसेना नहीं रख सकते, 6 बड़े जहाज, 6 छोटे जहाज और 12 विध्वंसक, इससे ज्यादा कोई नहीं रख सकते, एयरफोर्स की पूरी मनाही कर दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा जर्मनी को एक तरह से क्रिपल करने के, विकलांग करने की कोशिश की गई, उसका टेरिटोरियल हिस्सा बहुत सारा ले लिया गया, टेरिटरी बहुत सारी ले ली गई उसका, उसके सारे उपनिवेश ले लिए गए, उसके सेना कम कर दी गई, उस पर हर्जाना लादा गया, बेहिसाब हर्जाना, हर्जाना नहीं दे रहे थे, उसकी कोयला खदानें ले ली, उसके बहुत सारा 21 तक तो कुछ ऐसा कहा 1921 कि बहुत सारा सोना उनका ले लिया, जर्मनी के जो बाहर इन्वेस्टमेंट था, जो और देशों में जो पैसा जर्मनी का था वो सारा छीन लिया। तो इस तरह से ऐसा पूरा माहौल बना उसमें कि जैसे कि वर्साई की संधि बिल्कुल आरोपित संधि थी, डिक्टेटर जर्मनी के लिए बड़ी अपमानजनक थी, और जर्मनी ने, जर्मनी में पूरे ये भावना भरी रही कि उसके राष्ट्र के लिए सबसे प्रमुख काम है कि इस वर्साई की संधि से अपने को मुक्त करना, ये अपमानजनक संधि है। एक और चीज भी है कि जो इसके, इस संधि के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये इस संधि का, जिस तरह का युद्ध का माहौल था, जिस तरह से इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस में जो चुनाव हुए थे उसमें जो सरकारें जीती थी वो इसी शर्त पे जीती थी कि जर्मनी को, कि हम युद्ध में लड़ रहे हैं और युद्ध में जर्मनी को परास्त करेंगे और युद्ध और पूरा उससे हर्जाना वसूलेंगे, ये इन शर्तों के आधार पर ये सरकारें जीती थी, और जितना द्वेष का माहौल था उसमें इससे ज्यादा अच्छी, ज्यादा बड़ी संधि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, और अगर जर्मनी जीतता था तो वो भी ऐसी ही संधि करता, क्योंकि हम उदाहरण के रूप में देखें जर्मनी ने जो रूस के साथ संधि की थी 1917 में, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में उसने इसी तरह के अपमानजनक ढंग से रूस का बहुत सारा हिस्सा छीन लिया था, उस पर हर्जाना लाद दिया था, और ये तो ये अब हम उसके दो तीन चीजें और देखें, ये पेरिस शांति संधि के जो है कि लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ का गठन किया गया। हमेशा जब विभीषिका, युद्ध की विभीषिका चल रही थी तो उस समय ये विचार किया जाने लगा था कि हमको एक कोई मैकेनिज्म बनानी चाहिए, कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा किया जा सके। विल्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे बहुत उसके सपोर्ट में थे, कई कॉन्फ्रेंस भी हुई और अंत में ये तय हुआ कि राष्ट्र संघ का गठन किया जाए, और राष्ट्र संघ के गठन पे इतना ज्यादा विल्सन ने जोर दिया कि जो संधियां हूं कि जिनका अभी हम लोगों ने देखा था, सभी सभी संधियों के प्रस्तावों में जो राष्ट्र संघ का संविदा थी, कोविनेंट था, उसको जो प्रश्न उसको उसका साथ जोड़ दिया गया, जैसे कोविनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन इंटेग्रल, हर संधि का वो इम्पोर्टेंट पार्ट था, कुल 26 अनुच्छेद थे लीग ऑफ नेशन में, इसको अडॉप्ट किया गया और 15 नवंबर 1920 से ये काम करने लगा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में के 3 अंग प्रमुख थे, असेंबली, साधारण सभा, परिषद और सचिवालय। ये सामूहिक सुरक्षा की भावना से बनाया गया था कि भविष्य में युद्धों के स्थान पर युद्ध ना करने पड़े, इसलिए जो राष्ट्रों के बीच विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके, और युद्ध के स्थित आने पर सामूहिक रूप से उसका मुकाबला भी किया जा सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये लीग ऑफ नेशन हम बहुत सफल नहीं रहा। इसके थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करें, क्योंकि लीग ऑफ नेशन ही आगे चल के फिर हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन तो खत्म हो गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इसके स्थान पर बढ़ा, जो मोटे रूप में बहुत सारा जो स्ट्रक्चर लीग ऑफ नेशन का था वही संयुक्त राष्ट्र संघ था। लीग ऑफ नेशन के साथ दो दो चीजें हैं ड्रॉबैक, पहले हम इसको जो स्लाइड में है उसको देख लें, फिर हम इसको थोड़ा सी क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे कि लीग ऑफ नेशन के 3 अंग थे, एक साधारण सभा, एक परिषद और एक सचिवालय। साधारण सभा में प्रमुख रूप से जो सभी राष्ट्र जितने होते थे वो शामिल होते थे, उनके प्रतिनिधि रहते थे, कोई भी उनको समस्या हो उसका वो वहां पर उठा सकते थे,
कोई भी मामला जो होता था उस पर ला सकते थे। नए राज्यों को प्रवेश देने के ऊपर असेंबली में ही चर्चा होती थी, और जो आगे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस बनी थी, उसके जजों का भी चुनाव होता था। ये मुख्य मुख्य कार्य है, वैसे बहुत सारे काम है। परिषद भी चाहिए, परिषद का प्रमुख कार्य ये रहता था, एक बहुत इफेक्टिव वादी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें सभी पांच जो स्थायी रूप से प्रमुख राष्ट्र थे ऐसे वो उसमें शामिल थे, और बाद में अस्थायी राष्ट्र भी शामिल होते रहे। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण को रोका जाए, निःशस्त्रीकरण कराया जाए, और मैंडेट सिस्टम जो शांति समझौतों के द्वारा लागू हुआ था उसका सुपरविजन किया। मैंडेट सिस्टम से मतलब ये है कि जो जर्मनी के उपनिवेश थे उनको ये विजेता राष्ट्रों ने जीत अपने जो है नियंत्रण में कर लिया था, या तो उन राष्ट्र वो जो उपनिवेशों के ऊपर सीधे ये ने कह के कि छीन लिया, उन्होंने कहा कि राष्ट्र संघ के अधीन रहेंगे, राष्ट्र संघ इनके देखेगा, और जब ये आजाद होने लायक होंगे तो इनको आजाद कर दिया जाएगा, ये उसके पीछे। और तीसरा उसके प्रमुख जो था सचिवालय था जेनेवा में जिसका हेडक्वार्टर था, और सेक्रेटरी जनरल जो है काउंसिल के अप्रूवल से जो है असेंबली के अप्रूवल से नियुक्त होता था। लीग ऑफ नेशन बहुत सफल और असफल दोनों रहा। ज्यादा असफल इसलिए रहा कि धीमे धीमे इसके इसके जो है ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा, क्योंकि इसके जो दो चीजें रही इसमें, जब ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया तो सभी जो संधियां थी उनके साथ इसको जोड़ दिया गया, तो जो पराजित राष्ट्र थे उनको हमेशा ये लगता था कि राष्ट्र संघ जो है विजेता राष्ट्रों का बनाया हुआ है, तो वो कभी उसमें उस तरह से शामिल नहीं हो पाए, या उस भावना से उसमें शामिल नहीं हुए। हमेशा उनको ये रहा कि ये लीग ऑफ नेशन जो है विजेता राष्ट्रों की का एक संगठन है। दूसरी चीज, अमेरिका जो इसमें सबसे बड़ा सपोर्टर था वो इसमें शामिल नहीं हुआ, तो अमेरिका के अभाव में इंग्लैंड और फ्रांस का इसमें दबदबा बना रहा, जर्मनी ने छोड़ दिया, बाद में जब 26 में जर्मनी शामिल हुआ, 33 में छोड़ दिया, 33 में इटली ने भी छोड़ दिया, आगे जापान ने भी छोड़ दिया इसको, तो बहुत इसमें कई बार जब बड़े राष्ट्रों का मामला आता था तो ये मंचूरिया का मामला हो या अल्बानिया का मामला हो, तब ये असहाय हो जाता था, राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पाता था। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेन जो है, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो आर्टिकल 14 था इसका, जो राष्ट्र संघ का जो संविधान बना उसके आर्टिकल 14 में ये प्रावधान किया गया था कि परमानेंट स्थायी रूप से एक कोर्ट न्यायालय स्थापित किया जाए। सितंबर 21 में वो न्यायालय की स्थापना कर दी गई हेग में, हेग कहाँ है, हॉलैंड, नीदरलैंड भी कहते हैं जिसको, और इसमें 15 मैक्सिमम जजेज होंगे। लेकिन ये न्यायालय क्या करेगा, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मामले होंगे उन मामलों का निपटारा करेगा। ये ध्यान रखें, ये सुलह समझौता का स्थान नहीं था, ये कोई नॉट, जैसे कहा नॉट फॉर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब कि कोई सुलह समझौता कराने का ये नहीं थी जगह। यहां पर क्या होता था, कानूनों के हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करना किया जाता था। इसने जो है 1939 नाजी इन्वेजन पहले 31 प्रमुख निर्णय और 27 एडवाइजरी भी इसने, एक और संगठन जो प्रथम विश्व युद्ध की जिसको हम कहते हैं परिणाम है, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये आज भी जब से बना है तब से आज भी चल रहा है, और श्रमिक वर्ग और मजदूरों के बेहतरी के लिए इसने बहुत काम किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका बड़ा योगदान है। ये लीग का एक जो है स्वायत्त शासी संगठन था, इसीलिए हम देखते हैं कि लीग खत्म हो गया लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना रहा। ये वर्साय की संधि के द्वारा इसको लाया गया था कि श्रमिक वर्ग के, मजदूरों के हित में ये काम करेगा। इस संगठन ने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इस संदर्भ में निभाई। इसने तमाम का आयोग बनाए जिसने श्रमिकों की स्थितियों का अध्ययन किया, महिला श्रमिकों की, बाल श्रमिकों की, और इसमें समय समय पर इसने तमाम प्रस्ताव बनाए, कमीशन आयोग नियुक्त किए, और उनके आधार पर विभिन्न सरकारों को, विभिन्न देशों की सरकारों को सुझाव दिए कि किस तरह से वो अपने देश के कानूनों में सुधार लाएं, और इसका बड़ा प्रभाव रहा। अब हम एक जल्दी से इम्पैक्ट को एक और एंगल से देखने की कोशिश करें कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर जो इसके, जैसे पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हम देखें तो जैसे ही राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, तो सब चार बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, जर्मनी हॉहेनलाइन था, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग था,
रूस में रामनव वर्ष था और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था। चारों साम्राज्य खंडित हो गए, खत्म हो गए, और इनकी जगह भले दिखाने के लिए ही एक जिसको कहते हैं कि एक प्रजातांत्रिक सरकारों ने स्थान लिया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। और हम देखते हैं अनेक राष्ट्रों का जन्म हुआ जो जैसे ऑस्ट्रिया और तुर्की के अधीन थे, उन अनेक राष्ट्रों को जन्म हुआ। चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया में सर्बिया, क्रोएशिया, इस तरह से। और हम देखते हैं फिनलैंड, लिथुआनिया, ये सारे बहुत सारे जो छोटे छोटे जो राष्ट्रीयता के लोग थे, उनको अपनी बात कहने, उनको एक अपने राष्ट्र में रहने का मौका मिला। यूरोप में नया राज्यों का जन्म हुआ और प्रजातांत्रिक और समाजवादी भावनाओं का तेजी से विस्तार हुआ। हम जैसे हमने कहा कि इसने जो है शुरुआती रूप में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, जैसे जर्मनी में ही वाइमार रिपब्लिक, वाइमार जगह का नाम है जिसकी वजह से इसको वाइमार गणतंत्र कहते हैं, तो वाइमार गणतंत्र के हुए ऑस्ट्रिया में सभी जगहों पर एक प्रजातांत्रिक राज्यों की, फिर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। और रूस में तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति हुई थी, उसने भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध ने रूस में और तुर्की में दो क्रांति, रूस में तो हम लोग जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई, ये युद्ध का ही परिणाम है। भले वो 1917 में हो गई, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के ऐसी स्थित हो गई थी रूस में कि रूस के लोग प्रथम विश्व युद्ध से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि अब वो बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे। भूखों मर रहे थे लोग, लाखों लाख लोग मर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो रूस की जनता ने जो जारशाही थी उसके विरोध में विद्रोह कर दिया। फिर जो सरकार बनी उसके बाद भी विद्रोह किया, जिसको मार्च और अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुई और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। उसी तरह तुर्की में लोगों ने विद्रोह कर दिया और आगे चल के मुस्तफा कमाल पाशा ने के नेतृत्व में तुर्की ने आधुनिक किस्म की सरकार बनाई। हम देखते हैं अब थोड़ा बहुत आर्थिक प्रभावों को समझने की कोशिश करें। हालांकि ये सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं कि जब की बड़ा जनधन का नुकसान हुआ, बड़े खर्चीले युद्ध हुए और जिनमें यूरोप के राष्ट्रों का जो सारी जो है समृद्धि खत्म हो गई, और ये सारी चीज जो है इकोनॉमिक सुपीरियरिटी ऑफ यूरोप थी वो एकदम खत्म हो गई। सारा जो यूरोप के राष्ट्र थे वो कर्जों से दब गए। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था वो उसका जो डायरेक्शन था, पहले यूरोप से बना हुआ माल सारे दुनिया के देशों को जाया करता था, अब स्थिति बदल गई। यूरोप के बहुत सारे जो औद्योगिक डिक्लाइन हो गई, उनके जो तमाम उपनिवेश थे वहां से सामान जाने लगा, वहां से ना निकल उपनिवेशों में जो है जैसे भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का, वो युद्ध के दौरान भारत में ठीक औद्योगिक प्रगति हुई, नई आर्थिक विचारधाराओं का उदय हुआ और अमेरिका का उदय हुआ एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में, और अमेरिका के कर्ज के नीचे लगभग लगभग यूरोप के सारे राष्ट्र उसमें दब गए। मुद्रा स्फीति बढ़ी। आगे हम चलते हैं विश्व में आर्थिक मंदी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 का, वो भी इसी उसका भी बड़ा कारण था। सारे देश कर्ज से दबे हुए थे और मजदूरों की इसका एक बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव ये भी रहा कि मजदूरों की जब काम को महत्व मिला और ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बढ़ावा मिला। सामाजिक अगर हम इसके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे तो लॉस ऑफ बहुत जनधन की हानि हुई। हमने शुरू में देखा कि 80 लाख सैनिक मारे गए, कितने उससे मतलब घायल हुए, तो बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्स था उसका नुकसान हुआ और उसने पूरा सेक्स रेशियो बदल दिया। इंग्लैंड में महिलाएं ज्यादा हो गई और पुरुष कम हो गए और फैमिली लाइफ डिसरप्टेड हो गई। एक पूरी जिसको कहते हैं जनरेशन खत्म हो गई, पूरी जनरेशन जो सक्षम थे वो युद्ध में चले गए और उसका युद्ध का जो एक वो था प्रेशर था, युद्ध का जो एक हिस्टीरिया था, डिप्रेशन, तो बहुत सारा एक डिप्रेशन में भी लोग चले गए और महिलाओं की स्थिति में इससे सुधार हुआ क्योंकि महिलाओं अब वर्क जो सक्षम लोग थे वो सक्षम लोग युद्ध करने के लिए मोर्चे पे चले गए, तो आंतरिक रूप में बहुत सारा काम जो है महिलाओं ने संभाला। वो हम जैसे देखते हैं कि इंग्लैंड में 1 लाख से ज्यादा जो है जो महिलाएं थी वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आ गई, जो उसके पहले 1914 में
जो कुल 17-18 हजार थी, वो कंडक्टर और इस तरह के जो काम थे जो वो महिलाएं करने लगी। औद्योगिक काम में बहुत सारा महिलाओं का वो, और महिलाओं के अंदर एक और स्वाभिमान की भावना आई, और आगे चल के हम देखते हैं कि ये महिलाओं की स्थिति में अच्छे से सुधार हुआ, महिलाओं की के प्रति सकारात्मक नजरिया बढ़ा, और आगे के 19 के बाद हम देखते हैं इंग्लैंड और अन्य देशों में जो महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था, वो मताधिकार का भी अधिकार मिला। विश्व युद्ध ने एक और बड़ा क्या है, इक्वलिटी ऑफ रेसेस, जो प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना थी उसको खत्म कर दिया। जर्मनी जो अपने को श्रेष्ठ राष्ट्र समझता, श्रेष्ठतम राष्ट्र समझता था, वो पराजित हो गया। यूरोप के अन्य राष्ट्र भी पराजित हुए, जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य इतना बड़ा था वो पराजित हुआ, और जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं थी उनके साथ उपनिवेशों की सेनाएं भी लड़ रही थी, और वो भी लड़ने में उतने ही श्रेष्ठ थे। तो एक जो प्रजाति श्रेष्ठता की भावना एक सदियों से चले आ रही थी, प्रथम विश्व युद्ध ने वो भी इसको समाप्त उसको भी समाप्त किया, और ये तय किया कि सारी जो प्रजातियां बराबर हैं। लोगों के अंदर एक मजदूरों के प्रति, जैसे हमने कहा कि वर्किंग क्लास के प्रति एक नया नजरिया बना, महिलाओं के प्रति एक नया नजरिया बना, दुनिया को समझने का एक नया नजरिया बना, उपनिवेशों में एक अलग किस्म का आंदोलन चलने लगा। तो इसने भी एक नए तरह का एक प्रजातांत्रिक सामाजिक सांस्कृतिक जो है नजरिया पैदा किया, जिसमें कि थोड़ा टॉलरेंस था, थोड़ा सा टॉलरेंस था किसके, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या अन्य देशों के प्रति। अब एक हम स्लाइड की बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे प्रथम विश्व शुरू हुआ था तो उसके बाद ये सारे वेपन्स देखें आप कि कैसे इजाद किए गए, और ये गैस मास्क है जो क्लोरीन और गैस से और बचाने के लिए उन लोगों को होती थी। उधर मशीन गन है, एक देखिए कितनी सारी मशीन गने हैं, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, इतने बड़ी तोपों का इस्तेमाल हुआ। अब मैं आपसे लोगों से जानना चाहूंगा, कोई कोई अगर प्रश्न आपके मन में हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप जरूर बताएं, जिससे कि हम उसको ठीक से फिर उसकी समीक्षा कर सकें। पन्ना कोई नहीं, हाँ, कोई बच्चों के मन में आपके कोई पन्ना आप सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। आपको लेक्चर समझ में आया, थोड़ा बहुत लेक्चर समझ में आया? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई मन में जिज्ञासा हो तो बताइएगा, है ना। आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, मेरा आपसे एक सुझाव है कि जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ें तो मैप जरूर, एटलस जरूर साथ रखें। एटलस के बिना वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि पोलैंड इधर था और इंग्लैंड यहाँ था, फ्रांस इधर था, इंग्लैंड यहाँ है, जर्मनी यहाँ है, बेल्जियम यहाँ है, तो आपको एक अगर मैप समझ में आता रहेगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे उसको। छिंदवाड़ा में कुछ ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं, हम छिंदवाड़ा चलेंगे, छिंदवाड़ा, तो वो क्या, हाँ, हेलो सर, छिंदवाड़ा में कोई बच्चे पूछ कुछ जानना चाहते हो, काफी संख्या, बड़ी अच्छी संख्या दिख रही है बच्चों की, कोई इंटरेस्टेड हो तो बताएं, हम कोशिश करेंगे उनके समस्या का। चलिए, थैंक यू बेटा।